अभी जो हमने 22वां दृष्टिकोण और 64वां नवांश के जो मेलिफिक इन्फ्लुएंस की जो बात करी उसको हम क्यों ना इंदिरा गांधी के चार्ट पे लगाएं जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 बुधवार का दिन था और शनि राहु राहु उनकी दशा चल रही थी तो क्या हम उसका 64वें नवांश का और 22वें दृष्टिकोण का इफेक्ट उनकी कुंडली पे उनकी मृत्यु के समय देख पाते हैं हाँ देखने की कोशिश कीजिए 22वां दृष्टिकोण मृत्यु का कारण बताता है मृत्यु का टाइम नहीं बताता कारण बताता है तो कारण बताता है इनके लग्न में 27 डिग्री 26 डिग्री कर्क लग्न की है 28वीं डिग्री राइज कर रही है जी। इतनी थर्ड दृष्टिकोण है लग्न में तो कुंभ का थर्ड दृष्टिकोण ही 22वां दृष्टिकोण होगा एक राशि में तुम तो उसका 22वां दृष्टिकोण एक मतलब तीसरा दृष्टिकोण पूरा का बैठ रहा है तो 22वें दृष्टिकोण का स्वामी हो गया शुक्र शुक्र इनका छठे घर में बैठा हुआ राहु के साथ और छठे घर में राहु और शुक्र दोनों साथ बैठ करके तो राहु जिसके साथ बैठता है उसी का रोल प्ले करता है राहु जिस हाउस में बैठता है उसी का रोल प्ले करता है राहु जिसकी राशि में बैठता है उसका रोल प्ले करता है तो राहु के ऊपर मरकरी का इफेक्ट है राहु के ऊपर वीनस का इफेक्ट है राहु के ऊपर सिक्स्थ हाउस का इफेक्ट है तो सिक्स्थ हाउस 22वें दृष्टिकोण डॉट वीनस के साथ एक तरीके से कंजंक्ट हो गया राहु और वीनस वहाँ बैठे तो राहु सडन डेथ दिखाता है सिक्स्थ हाउस से कनेक्शन है तो किसी शत्रुओं के द्वारा छठा घर शत्रु का है और राहु एकदम मृत्यु दिखाता है वीनस एकदम मृत्यु नहीं दिखाता और 22वां दृष्टिकोण तुला में है तो चल दृष्टिकोण है वो इससे चलते हुए मृत्यु होती है वो चलते हुए कहीं सड़क पर चल रहे हैं घर में चल रहे हैं कहीं बढ़ रहे हैं कुछ ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन एट्थ हाउस में कुंभ राशि है इसलिए घर के आसपास उसी सिटी में डेथ होना दिखाता है लेकिन डेथ के समय वो चल रहे थे बिस्तर पर लेटे हुए नहीं थे ये चल राशि का दृष्टिकोण अपने नेचर से बताता है और वीनस साथ आ गया तो वीनस को डिले करता है इसका मतलब है कि गोली लगते ही एकदम डेथ नहीं होती है गोली लगने के थोड़े समय के बाद डेथ होती है और वीनस क्या है वीनस डिहाइड्रेशन का रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है मार्क के रेफरेंस में तो डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन एक्सेसिव ब्लड के बहने की वजह से भी हो सकता है एक्सेसिव बीमारी की वजह से भी हो सकता है तो शत्रुओं का आघात से बीमारी तो होगी नहीं तो वहाँ एक्सेसिव ब्लड बह जाने की वजह से हो सकता है उनको ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली दिया ही गया होगा जिस समय हॉस्पिटल ले गए हुए घायल होने के बाद तो वो ट्रीटमेंट दिखाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट या आफ्टर सम टाइम बीइंग हर्ट उसके बाद में कुछ समय बीत जाता है और उसके बाद वो उनकी ऑन द स्पॉट नहीं हुए ऑन द स्पॉट नहीं होती डेथ चलती हुई होती लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं होती अब वो रोड एक्सीडेंट होता है घर में एक्सीडेंट होता है ऊपर से गिरते हैं चलते चलते गिर जाते हैं कहीं पहाड़ी पे चढ़ते हुए गिर जाते हैं ये सब नहीं बताया जा सकता इससे इस तरीके से और बारीकी में नहीं जाना चाहिए 64वां नवांश टाइमिंग बताता है टाइमिंग किस तरीके से बताया 64वां नवांश इनका बैठेगा कुंभ में तो कुंभ का 9वां नवांश हो गया कुंभ का आखिरी नवांश मिथुन में आ गया लगन से ले रहे हैं हम 64वां नवांश लगन से 64वां नवांश क्योंकि सब जगह यही कहा गया है केवल एक जगह जातक पारिजात में कहा है कि चंद्रमा से 64वां नवांश लेना चाहिए लेकिन और कहीं इसका समर्थन या इसका कहीं सपोर्ट में और कोई साइटेशन नहीं मिलता इससे हम लगन से भी देख लें और चंद्रमा से भी देख लें आपकी इच्छा लगन से बुध बनता है चंद्रमा से देखे तो जो शुक्र बनता है तो शुक्र में से वही प्रॉपर्टी आ गई जो अभी 22वें दृष्टिकोण में थी तो शुक्र प्रॉब्लम में रख हो गया शुक्र वैसे भी गुलिक का डिस्पोजिटर और गुलिक का डिस्पोजिटर भी इसलिए एक तरीके से इसको और एक 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 एडिशन पावर अथॉरिटी मिल गई मारने की तो ऐसी स्थिति में शुक्र मारक हो जाता है और मरकरी जो है अगर हम लगन से लें मरकरी को लें तो मरकरी और वीनस ये दोनों क्या 64वें नवांश से क्या होता है कि मरकरी जिस मतलब ये 64वां नवांश जिस राशि में पड़ रहा हो उस राशि के महीने में अच्छा उस राशि में चंद्रमा के गोचर करते समय या उस ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट की गई वीक डे में डेथ होती है आमतौर पर वो क्रिटिकल होता है टाइम तो यदि हम 31 अक्टूबर 1984 को देखें तो उस समय आप ही ने शायद अभी बताया बुधवार पड़ रहा था बुधवार पड़ रहा है तो बुधवार पड़ रहा है तो बुधवार उन्होंने बता दिया लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ वृश्चिक राशि में चंद्रमा था या नहीं था या वृश्चिक के त्रिकोण में चंद्रमा कर्क वृश्चिक मीन में चंद्रमा हो सकता है अभी देख लेते इससे पता लग सकता है हमें
इस तरीके से हमें हेल्प करता है टाइमिंग में, पिन पॉइंटिंग द टाइम में, 64वां नवांश हमें हेल्प करता है। मून जो था मकर में है, 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के करीब शायद ऐसा हुआ था जी। इसको ये पोजीशन है 10 बजे मून मकर में है, वृश्चिक राइजिंग है लेकिन बुधवार है, लेकिन वृश्चिक लग्न है जी, तो वृश्चिक लग्न आ गया, तो चंद्रमा लग्न कहीं भी कुछ हो सकता है, तो इस तरीके से पिन पॉइंटिंग करने में टाइम को ये हमें 64वां नवांश हेल्प करता है। तो वृश्चिक राशि कनेक्ट हो गई, राइजिंग साइन था जी और वेडनेसडे था, तो 64वें नवांश के दोनों फैक्टर्स वहाँ पर मिल गए, इसलिए वो फेटल स्थिति बन सकती है। और जी इस तरीके से टाइमिंग करते हैं, लेकिन मारक दशा वगैरह भी उसमें वाइटल रोल प्ले करती है, अकेले इससे तय नहीं होता। लेकिन ये 22वें निष्कांत विषय में एक स्पेशल रूल है जी, यदि 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तब हम 22वें निष्कांत का प्रयोग करते हैं। अच्छा, द्वाविंशत कथितस्तु कारणम देख कानु देहनस्त सूर्य भी तस्यादिपतिर भपोपिवा नरियालम सुग्ने प्रयच्छति। 22वें निष्कांत का प्रयोग तब करेंगे जब 8वें घर स्थान में कोई ग्रह ना हो, तो 8वें घर में स्थान 8वें घर का खाली, इसलिए 22वें निष्कांत सही बैठ रहा है। यदि 8वें घर में कोई ग्रह बैठा होता तो अष्टमेश बैठा होता या कोई और दूसरा ग्रह बैठा, तो उनकी वजह से ये चीजें वैरी करती रखना चाहिए। उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता या जो सबसे ज्यादा क्रूरतम होता, सबसे ज्यादा क्रूअल होता, उस प्लेनेट के लिए सारी चीजें कमांड होती है, जो हम बता रहे हैं डे या राइजिंग साइन या वगैरह वगैरह। हमने वीनस और मर्करी का रोल तो इसमें देख ही लिया जाए। मिश्रा जी, जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई थिंक वी कैन सेफली से मोर देन 90% ऑफ देम कम व्हेन दे आर इन अ प्रॉब्लम, और ये ज्योतिषी को भी पता है और उसको सामने वाला जो पूछ रहा है उसको भी पता है कि आई एम इन अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम वो कंफर्म करवा लेते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि क्या है, कितनी गहरी है और कब तक चलेगी, और उसके बाद उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय से विधि का विधान क्या बदला जा सकता है, किस एक्सटेंट तक बदला जा सकता है, और क्या रेमेडी काम करती है, कितना करती है, या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि साइकोलॉजिकली हमने एक रिलीफ देना है क्वेरेंट को, एंड वी प्ले द रोल ऑफ दैट साइकोलॉजिकल काउंसलर हु इज गिविंग अ प्लेसिबो थ्रू अ रेमेडी, इसमें रेमेडी का रोल क्या है? देखिए, प्लेसिबो तो कम से कम नहीं है, आयुर्वेद कहता है कि मणि मंत्र और औषध, तीन चीजें उन्होंने बताई हैं, मणि मंत्र और औषध। यदि छोटी प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मणि पहने, और यदि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो जो प्रेस्क्राइब मंत्र हैं उनसे रेमेडी करिए, मणि मंत्र। और यदि थोड़ी और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है जो एस्ट्रोलॉजिकली कंट्रोल नहीं की जा सकती, देन यू हैव टू गो टू होम मेडिकेशन। ठीक है भैया, जाके डॉक्टर को दिखाइए, अस्पताल में दिखाइए, ये एस्ट्रोलॉजिकली कंट्रोल नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने ऑर्डर भी बताया, ऑर्डर ऑफ मेडिकेशन, मणि मंत्र औषध। तो मणि पीजिए, औषध से हम जड़ी बूटी भी ले सकते हैं, जड़ी बूटियों को खाने से, पीने से, ओढ़ने से, घर में रखने से और मेडिकेशन लेने से उनका काम होता है, तो मणि मंत्र औषधि उपाय बताया। इसके बाद रेमेडी की जहाँ तक बात है, खुद पाराशदी पाराशास्त्र में 18-20 नेगेटिव पॉइंट्स को बताने के बाद कि इन सब में से कोई एक भी पॉइंट यदि कुंडली में पड़ा हुआ हो तो पीछे बताए गए सारे योग राजयोग नलीफाई हो जाते हैं, और ये इनकी रेमेडी है। वो पूरे के पूरे अध्याय लिखते हैं, कृष्ण चतुर्दशी जन्माध्याय, अमावस्या शांति जन्माध्याय, गंडांत शांति अध्याय, अमा शांति अध्याय, विष्टि शांति अध्याय, इस तरीके के पीछे अध्याय लिखे हुए हैं। तो रेमेडी उन्होंने बताई है, प्रॉपर वैदिक मंत्र बताए हैं, प्रॉपर विधि बताई है, कितना सामान रखना है, कितने कलश स्थापित करने हैं, कौन से मंत्र का कितना जप करना है, कितने मंत्रों का हवन करना है, और स्पेसिफिक वेद मंत्र हैं वो, उनके कल्पित मंत्र या श्लोक नहीं है, वो वैदिक मंत्र हैं। तो उन वैदिक मंत्रों की रेमेडीज की जाती है, उनसे आराम मिलता है। आराम कैसे मिलता है ये कहना ये खोजना साइंटिस्ट का काम है, हमारा काम तो देखना ही है कि भाई रेमेडी करते हैं तो कुछ आराम मिलता है, और ये आपने अनुभव किया है। अब आप प्रार्थना करती हैं, आपका काम प्रार्थना से बनता है, आप जाके भगवान के सामने कहते हैं कि प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरा एक काम पूरा कर दीजिए, आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये साइंटिस्ट का काम है खोजने का, कि वो देखेंगे कि आपके प्रसाद बोलने से, भगवान को रिश्वत देने से ये काम संभव हुआ या ऑटोमेटिकली ये काम होना था।
हम तो जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं। हाइड्रोजन गर्म हवा, गर्म गैस है, और ऑक्सीजन ठंडी गैस है, ऑक्सीजन हवा है। ऑक्सीजन हवा जब मिल जाए तो आग को बढ़ाती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में H2O में मिल जाते हैं तो वाटर मिल जाता बन जाता है, और वो वाटर आग को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है। मुझे नहीं मालूम क्यों, ये साइंटिस्ट उत्तर दें, लेकिन आग बुझाता है, दिस इज द हार्ड फैक्ट। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पानी आग बुझाता है। पानी को गर्म कर लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस पर, आप उसको उबाल लीजिए, गर्म पानी भी आग को बुझाएगा ठंडा। तो ये उसकी अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका मतलब मंत्रों से कोई ऐसा वातावरण, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी बात, कोई सुपर नेचुरल पावर या कोई सुप्रीम पावर या हमारा माइंड कुछ इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि हम उसके लिए संघर्ष करके रास्ता खोज करके खुद पार पा जाते हैं उस मुसीबत से। चाहे उसको कहिए कि भगवान हाथ पकड़ करके हमें मुसीबत के पार कर देता है, उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर लीजिए, बट रेमेडी वर्क्स। और रेमेडी के बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑफ कोर्स बहुत विस्तार है, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर बेसिक प्रिंसिपल्स रेमेडी के लिए, रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के लिए क्या देखना चाहिए? बेसिक प्रिंसिपल तो सबसे पहले ये डायग्नोस करना होता है कि क्या क्या उसमें नेगेटिविटी है। उसके लिए पाराशरी ने उपाय, वो डायग्नोस्टिक सिस्टम बता रखे हैं कि ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, चेक पॉइंट्स हैं, इन चेक पॉइंट्स को देखिए, उनमें से कोई एक चेक पॉइंट यदि अप्लाई हो रहा है आपके चार्ट पर तो चार्ट में डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट का ये उपाय है, सर्टेन ये रेमेडी है, ये एंटीबायोटिक है, ये ले लीजिए। वो सारे वेद मंत्र और सारे उपाय विधि विधान से मैंने अपने उपाय भाग्य पुस्तक में बताए हुए हैं, पूरे मंत्रों के साथ, पूरी विधि विधान के साथ, इच्छुक व्यक्ति वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने किस तरह से रेमेडीज को स्टडी करा है और इनको फिर आपने जिस तरीके से रिसर्च करके जो लिखा है। सबसे पहले मैंने उपाय भाग्योदय रेमेडी के ऊपर लिखे थे, उसमें सारे मंत्र विधि विधान से पूरी डिटेल के साथ दिए थे, जिसको कोई क्वालिफाइड आदमी ही काम करने ला सकता है। इंडिविजुअल आदमी इसको, अनाड़ी आदमी या जो जिसको कर्मकांड या वैदिक नहीं, शास्त्र वेद मंत्र नहीं आते, वो इसको नहीं कर सकता। इसके लिखने के बाद जब इसकी पॉपुलरिटी हुई और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया, तब मेरी समझ में आया कि एक आम आदमी जिन ऐसे उपाय जो खुद कर सके और वो इफेक्टिव हों, तो उन इफेक्टिव उपायों को वेद शास्त्र से, मोस्ट पर्टिकुलरली अथर्ववेद से और दूसरी चीज़ों को निकाल करके मैंने दूसरी पुस्तक लिखी जो आसान भाषा में है, बिल्कुल आसान आम भाषा में। उसका नाम है, नाम भी मैंने ऐसा रखा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। तो इसमें आसान उपाय बताए हुए हैं, जिसमें खास तौर से खाना पीना, घर में रखना, इस तरह की आइटम है, घर में मसाले, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन करना, जरा जरा से चेंजेस करना, दान वान जरा सा करना, कोई मणि मंत्र पहन लेना, इस तरीके का बताया। जब ये पुस्तक आ गई तो इसको लोगों ने इससे भी ज़्यादा तेजी से हाथ में जोर शोर से हाथ में लिया, और इसको पसंद करने के बाद स्थिति यह है कि लोग कहने लगे रेमेडी में जो रत्नों के ऊपर एक किताब भी हमें चाहिए, वो रत्नों के ऊपर ये ऊपर ये किताब देखिए, कौन से लग्न को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इस बारे में जो मिथ है और जो मिसगिविंग्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको दूर करते हुए वैदिक प्रमाण के साथ ये सिद्ध किया और दिखाया कि भाई किसको रत्न पहनना चाहिए और वो रत्न कैसे फायदा करता है, उसको भी उत्तर देने की कोशिश की है। इसके बाद फिर मस्तिष्क में आया, दिमाग में ये बात आई कि ठीक है, दो चीजें दुनिया में सबको चाहिए, एक तो पैसा और एक संतान। यदि संतान नहीं है और पैसा बहुत है तो पैसा एक इससे ये आ जाती है कि मन खराब करने लगता है, और संतान है अच्छी लेकिन पैसे नहीं है तो उन संतान के लालन को पालन पोषण करने के लिए, ब्रिंगिंग अप करने के लिए मन खुलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि फिफ्थ हाउस और सेकेंड हाउस और इलेवंथ हाउस इन दोनों को मिला करके एक पुस्तक लिख दूँ। तो उससे पहले मैंने धनधानी सिद्धि लिखी। धनधान सिद्धि में फाइनेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बैरोमीटर्स दिए हुए हैं, और इन बैरोमीटर्स को चेक करिए और चेक करने के बाद आपको पता लगेगा आपकी किस्मत में, आपकी कुंडली में कितना धन है। यदि वो धन बाई चांस कम आ रहा है तो उसको एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, शास्त्र कहीं नहीं कहता कि तुम हाथ पैर चलना बंद कर दो, तुम्हारी किस्मत में इतना लिखा है तो तुम कर्म करना बंद कर दो, तुम मेहनत मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो आगे बढ़ने का रास्ता आसान करने के लिए कुछ रेमेडीज भी बताई गई हैं जो वेद शास्त्रों से ही प्रेरित है और मोस्ट पर्टिकुलरली ऋग्वेद से प्रेरित है, ऋग्वेद के अंदर से निकाल करके इसके अंदर वो दी गई है। उसके बाद संतान के लिए सुख संतान दीपिका लिखी। सुख संतान दीपिका में संतान हो तो अच्छी कैसे हो,
संतान हो तो प्रोजेनी बाय चॉइस कैसे की जाए, किस कब हमें कब हम बच्चा प्लान करें ताकि हमारे स्वस्थ अच्छा बुद्धिमान बच्चा पैदा हो, भाग्यवान बच्चा पैदा हो। हमने इसमें कंसिडरेशन नहीं की कि मेल फीमेल की, कि लड़का ही पैदा हो, इसलिए सुख संतान रखा मैंने, पुत्र शब्द नहीं रखा, सुख संतान दीपिका। और ये अर्थ भी बताया कि पुंसवन संस्कार जो तीसरे महीने में होता है उसका जो अर्थ लोग समझते हैं कि लड़का पैदा करने के लिए संस्कार किया जाता है, साइंटिफिकली ये गलत फैक्ट है। बट मेल फीमेल तो तभी तय हो जाता है जिस समय वो क्रोमोजोम मिल जाते हैं और जायगोट बनता है, बन जाता है। उसके बाद तीसरे महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार है, पुंसवन, पुं मतलब पुरुष और पुरुष का मतलब विराट पुरुष भगवान, तो भगवान का अंश ईश्वर का अंश तीसरे महीने में कोख में आता है, तीसरे महीने में उसके अंदर उसका हार्ट बीट करना शुरू कर देता है, इसलिए उसको तीसरे महीने पुंसवन कहते हैं कि भगवान परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में इसके अंदर आया, उसका नाम है पुंसवन। और एक साल के अंदर बच्चों के अंदर होने वाली परेशानियों का जो वैदिक और शास्त्रीय उपाय है वो भी बता रखे हैं। गर्भावस्था में गर्भिणी को, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या चीजें डूज और डोंट्स हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं और जो आज के डेट में व्यावहारिक हैं वो बताए गए हैं, और बच्चा कब हो, उसकी डिलीवरी का टाइम कैसे किया जाए, सीजन कराना है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं वो सारी अलाइड चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसी संतान के लिए, वो धन के लिए, वो कॉमन सारी नेगेटिविटी नेगेटिव फैक्टर्स को दूर करने के लिए, ये स्पेसिफिकली स्टोन के लिए और ये इजी टू डू रेमेडीज के लिए। तो इस तरीके से 5 किताबें मैंने अभी तक लिखी हैं। 6 किताब सौंदर्य लहरी है। अच्छा, तो सौंदर्य लहरी शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है और शंकराचार्य जी का स्तोत्र है, उसमें 100 श्लोक है और वो 100 श्लोक शिखंडी छंद में लिखे हैं। उसमें त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की गई है, त्रिपुर सुंदरी की उपासना कही है या आजकल के जमाने में जो प्रचलित पिरामिड की उपासना, पिरामिड से के वुड इफेक्ट्स कही है, श्री यंत्र या श्री चक्र जो है बेसिकली पिरामिड बेस्ड है, उसी से पिरामिड निकला है और ये सारा संतारी पिरामिड बेस से बनाया गया है। तो उसी पिरामिड की शक्ति को अपने अंदर लाने के लिए श्रीयंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर श्री शक्ति मानी गई है जो सबसे आदि शक्ति है। उस आदि शक्ति की उपासना भगवान शंकराचार्य ने की थी और शंकराचार्य ने उनकी स्तुति में 100 श्लोक लिख करके सौंदर्य लहरी नाम से किताब लिखा था, लिखी थी। और इसको फर्स्ट टाइम ले लिया, ये मैं कहने में गर्व महसूस नहीं करता हूँ, नम्रतापूर्वक कहता हूँ, ये ईश्वर की, भगवती की, देवी देवताओं की और मेरे पूर्वजों का प्रसाद था कि उन्होंने मुझे ये ताकत दी। इसके हरेक श्लोक में से मैंने ज्योतिष का अर्थ निकाला है, इसके 100 श्लोकों में, इसमें यौगिक अर्थ और दार्शनिक अर्थ को है ही है, साथ में हरेक में ज्योतिष का अर्थ निकाला है और हरेक मंत्र, हरेक श्लोक अपने आप में मंत्र की तरह है। उससे उसका जप करने से, उसका पाठ करने से क्या फल मिलता है ये भी शास्त्रों के तरीके से इसमें बताया गया है। जैसे किसी को विजय प्राप्त करनी है तो हमने ये बता दिया, इसका ये व्याख्या दे दी, उसके बाद ज्योतिष का संकेत दे दिया, इसमें इस श्लोक में उन्होंने शंकराचार्य ने ज्योतिष कैसे बताई और उसके बाद इसका साधना का फल क्या है, विद्या में ज्ञान प्राप्ति, बालारिष्ट निवारण, माना बालारिष्ट का निवारण है। तो बिल्कुल सिंपल, इस श्लोक के रोज 10 पाठ करिए, बस 10 पाठ, 10 या ज्यादा नहीं, उन्होंने 10 पाठ बताए, 10 पाठ कर लीजिए हुए तो आपका बालारिष्ट दूर रहेगा, आपको विद्या ज्ञान वृद्धि होती रहेगी, आप आगे आपकी बुद्धि चलती रहेगी, आपके नंबर अच्छे आते रहेंगे। तो इस तरीके से इजी टू डू रेमेडी भी है और दूसरे ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने की का विषय है। हर एक श्लोक में मैंने ज्योतिष का अर्थ निकाला। जिस समय शुरू किया था हुआ क्या था कि मैं इसको कभी कभी पढ़ता था और जब कभी पाठ करता था महीने में एक बार डे, पर्टिकुलर डे पर, खास सही डे और टाइम में, शुरू से मेरी आदत थी, हमारे पिताजी ने हमें आदत डाली थी। तो जब इसको एक दिन पढ़ रहा था तो एक दिन मेरी बुद्धि में अपने आप की बात आई कि मैं इसका एक श्लोक पढ़ रहा था कि मुखम बिंदुम कृत्वा, तो उस श्लोक को पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि तो बारह खाने कुंडली बता रहे हैं, ये देखिए ये श्रीयंत्र है, मुखम बिंदुम कृत्वा, मुख को मुंह बन, मुख तो ये लग्न हो गया, कुछ युग मधस, उसके नीचे कुछ युग यानी 2 ब्रेस्ट है और उसके बाद ऐसे चलते चलते इस श्लोक में 12 के 12 खाने आ जाते हैं, 12 के 12 हाउस आ जाते हैं। उसी से आपने श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के बाद ये शिव शक्ति यंत्र है, शिव शक्ति यंत्र के आने 12 खाने ऐसे बन जाते हैं, ये उस श्लोक में बताया गया। मैंने कहा नहीं, सुनो ज्योतिष है। फिर हमने 2-3 श्लोकों को पढ़ा, ध्यान दिया तो अपने आप ऊपर से कुदरती बुद्धि इस तरीके की है कि अपने आप निकलता चला गया। और आज यदि कोई मुझसे पूछे कि कैसे हुआ था, मुझे नहीं पता, शायद ईश्वर ने, भगवती ने मेरा कान पकड़ कर मुझसे ये अर्थ लिखवाया।
आज मैं नहीं कर सकता इसको, तो ये सब ईश्वर की कृपा है, उनकी देन है। और इस तरीके से हर एक नक्षत्र चक्र को आसमान का चक्र उन्होंने बताया, एक एक नक्षत्र को उन्होंने एक एक श्लोक में लिया और उसी ऑर्डर में गए जिस ऑर्डर में आसमान में दिखाई पड़ते। तो ये बड़े इस तरीके से मैंने ज्योतिष का अर्थ निकाला है और ये किसी ने नहीं निकाला। इसमें बहुत पहले किसी ने योग शास्त्र का अर्थ निकालने की कोशिश की थी, जैसे भगवद गीता की व्याख्या एक प्रकार से हो सकती है ना, उसी तरीके सौंदर्य लहरी की भी एक प्रकार से व्याख्या होती है। तो ये इसमें किसी ने निकाला था कुछ अर्थ, पहले मुझे याद आ रहा है कि वो योग शास्त्र का अर्थ निकाला था किसी ने, जैसे ये है ना, हर एक श्लोक से ज्योतिष तत्व का निष्पादन किया गया है। और इसमें यौगिक क्रियाओं द्वारा चक्र भेदन साधना ग्रह देवों के पूजन शुभ फल और अंत में केवल भक्ति से संबंध होने के कारण सुस्पष्ट संकेत आचार्य दिए। ये उपायात्मक उपाय पर ये अपने आप में एक अलग तरीके की और ऑथेंटिक बुक है। और ये भी जो श्रद्धा वाले हैं, आस्था वाले लोग हैं, उनके लिए काम किए, और नहीं तो इसको लोग ज्योतिष के लिए पढ़ते हैं कि कमाल इसमें ज्योतिष का जो अर्थ निकला है, हम भी तो देखें कैसे निकला है। तो कुंडली भी है, ग्रह बल अनिवार्य है, ग्रह पंचतत्व किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से इसमें श्लोकों में सब में बताया गया। उसमें कुंडली का आज्ञा, कुंडली रूप, कुंडली ही आज्ञा चक्र ऐसी शक्ति है, और हमने एक एक शब्द का अर्थ लेकर के उसकी व्याख्या की है। एकादश तारामंडल है, इस तरीके से इसमें व्याख्या की हुई है। तो ये भी रेमेडी के ऊपर एक पुस्तक है। मिश्र जी, जो जो वैदिक धर्म को मानते हैं वो तो ये श्लोक पढ़ लेंगे, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं या जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए उपाय आपने किसी जो कोई ऐसी पुस्तक है जो अगर वो अनुवाद करा जाए उसका, तो उसमें से उपाय निकल आए या आप उनको गाइड कर दीजिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा में मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम के लिए देने की कोशिश की थी, फिर मैं चुप हो गया उसमें। आजकल माहौल ऐसा नहीं, जरा सी कुछ बात हो जाए उसका पतंगड़ बन जाए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनके उपाय दिए हुए हैं, और दूसरे जो आर्य समाज के लोग हैं, जो आर्य समाज हैं या दूसरे लोग हैं, तो वो किसी भी रूप में ईश्वर का ध्यान करिए। मैंने अंत में ओम की साधना बताई है जी। तो ओम में सब चीज़ें हैं, जो सिख धर्म है उसमें भी ओम है, जो आर्य समाज है उसमें भी ओम है, सनातन में भी ओम है। तो ओम की किसी भी रूप में आप परमेश्वर की उपासना करिए, केवल उपासना का तरीका अलग अलग हो सकता है। उपासना का तरीका आस्था और विश्वास यदि आपका है तो आप पत्थर को पूजें तो वो भी भगवान बन जाता है। तो उस आधार पर अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार काम करें। जो स्पेसिफिक मंत्र बताए हैं वो वेद में मंत्र हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि हिंदुओं के लिए है उनके लिए नहीं है, तो उन मंत्रों का जप वो भी करें जी। वो किसी स्पेसिफिक या स्पेशल धर्म के लिए, जिस प्रकार से मेडिकल साइंस किसी खास रिलीजन के लिए, रिलीजन वाले लोगों के लिए नहीं लिखी गई, वो डॉक्टर कभी ये नहीं देखता कि आपका रिलीजन, आपका फेथ क्या है। अपनी अच्छा इस्लाम है तो आपके लिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन चलेगी, और अच्छा आप हिंदू हैं तो आपके लिए एजिथ्रोमाइसिन चलेगी, ऐसा नहीं बोलता। तो ठीक उसी तरीके से ज्योतिष भी किसी धर्म विशेष के लिए स्पेशली या युग विशेष के लिए या देश विशेष के लिए लिखी गई है, सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, सारी दुनिया के लिए। तो जिनकी आस्था हो वो करें। आज विदेशों में भी लोग हिंदू धर्म और वैदिक धर्म और वैदिक मंत्रों के प्रति आस्था वाले, और तो और बहुत सारे अंग्रेज लोग भी ज्योतिष से किसी तरीके से कनेक्टेड है, अपने नाम तक हिंदुस्तानी तरीके के रखने लगे। बड़े बड़े अंग्रेज कोई राधे बन गई हैं, कोई कुछ बन गए हैं, कोई संतों के नाम पर उनके ऊपर नाम रखते हैं। तो इसका मतलब उनका इंक्लिनेशन, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास वैदिक धर्म पर है, तो वो लोग भी वैदिक मंत्र पढ़ें। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए इसमें संकट कटाई मीठे सब पीड़ा में उपाय दिए हुए। और दूसरी बात, फोनिक के उपाय हमने दिए, स्वरों के उपाय, अक्षरों के उपाय हमने दिए। तो रामायण के उपाय इसमें दिए हैं, भागवत के उपाय हमने इसमें दिए हैं, खाली दीप दान के उपाय इसमें दिए, जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। दिया जलाना, ज्योत जलाना, ज्योत जगाना, अरे क्रिश्चियंस के यहाँ मोमबत्ती कैंडल जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है, हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है, गुरुद्वारे तक में ज्योत बत्ती जलती है। तो ऐसी स्थिति में दीप दान करने से भी, दीप दान करने के उपाय बताए गए हैं। उसके बाद जैनों के लिए नमोकार मंत्र बताया गया है, उनके लिए पद्मावती देवी की उपासना की गई है, नमो अरियंताम, ये क्या कहते हैं, नमोकार मंत्र बताया गया है। फिर राशि के अनुसार भी उपाय बता दिए कि भाई जो मंत्र है आप मुझे अपने छोटे छोटे जैन धर्म के उपाय। उसके अलावा गायत्री मंत्र बताया, गायत्री मंत्र सारी दुनिया में पॉपुलर है, आप केवल गायत्री मंत्र से उपाय कर लीजिए। इसमें केवल ये बताया कि किस चीज़ से, किस तरह, कितना जप करें, किस तरीके से करें, क्या हवन करें। और छोड़िए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी, ये सब तो इसमें तो किसी की बपौती नहीं है, ये तो हिंदुओं का नहीं है, ये तो वेद का नहीं है। वो आपने फोनेटिक्स बताया ना, तो देखिए उससे बता दिया।
ये मैं अपनी मन से नहीं बता रहा हूँ, ये वर्णमाला शास्त्रीय घोषणा है। वर्णमाला पर बिंदी लगा दीजिए एक एक अक्षर पर, ये मृत्युंजय मंत्र बन जाएगा। इसका जप करिए, ये वसूली पाने के लिए, कोई चीज डूबी हुई है आप उसको मिल नहीं रही है तो आपके ऊपर बिंदी लगाइए। और इसके आगे पीछे ये बीज मंत्र लगाइए, ह्रीम अम ह्रीम, ये मंत्र है और ये शास्त्रों में बताया गया है। ओम लगाना ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। आप ओम ह्रीम अम ह्रीम ये कहें, आम ओम ह्रीम अम ह्रीम ऐसा कहें, तो बाद में ये तीन मंत्र आगे और तीन मंत्र पीछे लगाइए, संपूर्ण लगाइए और उसके बाद ये मंत्र बन गया आपका, तो इससे करिए। और दूसरे ये शिव सूत्र है जिसमें संस्कृत अल्फाबेट बताई गई, शिव जी ने पहले सबसे पहले बताई थी। इसका जब एक सांस में करिए, एक सांस में जब करते ही जिस मनोरथ को लेकर के आप इच्छा से इसको जब करेंगे एक सांस में, रोज कम से कम 10 बार बोलिए, तो आपके अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो रेखी, वो प्राण शक्ति पैदा हो जाती है, ब्रह्मांड की वो शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि आप उस चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप उसको इवेंचुअली प्राप्त कर लेंगे। इसको देखिए, एक सांस में पढ़ना होता है, इसका नियम यह है। बोलिए तो इसमें कहीं कोई धर्म आने नहीं आता, तो सब तरीके के उपाय हमने आसान उपाय इसमें बता रखे जी, तो इसमें कहीं कोई धर्म आने नहीं आता। जिसकी इच्छा हो, जिसका जिसको जो रुचे वो करे। बिहारी लाल ने कहा है कि अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर्वाय, तालाब बावड़ी कुआ नदी सब उछले भी हैं, यानी कम पानी वाले भी हैं, खूब पानी वाले भी हैं। वाको तो सुरसरित वही, उसकी तो गंगा वही है जो जाकी प्यास बुझाए, जिससे जिसकी प्यास बुझ जाए उसके लिए तो वही गंगा नदी है। तो जिससे जिसकी इच्छा पूरी होती हो, जो जिसके काम आ जाए, हमने तो अलग अलग कॉम्बिनेशन दवाओं के बता दिए हैं, रेमेडीज के बता दिए हैं, जो जिसको अच्छा लगे, जो जिसको रुचे वो इससे इस्तेमाल करे और फायदा उठाए। तो वैदिक शास्त्र को, वैदिक ज्ञान को, ऋषियों को धन्यवाद दे, और फायदा ना हो तो भैया उसको दोबारा करें, क्योंकि शास्त्र का नियम है। तो कहीं करने से हमसे गलती हो गई, ऋषियों ने गलती नहीं की है, करना स्वयं है या दूसरे से करेंगे। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरे से करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरक्षा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपने आप करें, अपने आप आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, आपके अटॉर्नी बनकर के वो काम कर सकता है, जो पंडित होता है जो संकल्प लेके काम करता है, वो आपके बिहाफ पर ही काम करता है, वो आपकी तरफ से ही करना होता है। और रेकी डिस्टेंस रेकी होती है, डिस्टेंट रेकी की तरह ये काम करते हैं, उन्होंने कहा कि दूर बैठे हुए आदमी का भी उपाय कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ करके मंत्र जपें और वो दूर देशों में हजारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति परेशान है उसके लिए उपाय करते हैं, उसका नाम लेकर करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने नियम बताया, उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरीके से हजारों गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी गाय के अपनी माँ के रियल माँ के बायोलॉजिकल माँ के पास जाकर के उसके थन चूसता है, उसे दूध पीता है, तो ठीक उसी तरीके से शब्द है, वो शब्द ब्रह्म है, वो आसमान में जाता है और आसमान में जाकर के जिसे इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसी तरीके से वहीं जाकर के उसी राइट्स आईडी पर जाकर के क्लिक करेगा और वहीं पर डाउनलोड किया जा सके। ये बताया शास्त्र, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, तो ये इंटरनेट का आइडिया है, ये फेसबुक का आइडिया है, जहां इंटेंडेड है वहीं जाके, जहां इंटेंडेड है वहीं पर टारगेटेड जो टारगेट है, जो डिजायर्ड टारगेट है, वो वहीं पर जाकर के असर करेगा। उपाय में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये तो प्राइमरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है जी। इसके अलावा जो उपाय की एग्जीक्यूशन है, किस तरह से उपाय करना चाहिए, उनमें कोई 3-4 जरूरी जो बातें हैं, कंसिडरेशंस हैं, उनके बारे में हमें बताइए। किसी भी उपाय को, वैदिक उपाय को करना हो या नॉर्मल उपाय को करना हो, सामान्य उपाय को करना हो, तो उसमें 3 यूनिटीज का ध्यान बहुत रखना चाहिए। 3 यूनिटीज जिससे ड्रमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। उसी तरीके से यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, जहाँ आप बैठ के पूजा कर रहे हैं या जहाँ पर
आप बैठ के कोई पूजा करते हैं या जिस जगह पर जाकर के रोज आप पूजा करना चाहते हैं तो उस जगह को और वो फिक्स कर लें, उस जगह को तय कर लें। दूसरा जो है यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऐसा नहीं है कि आज मंत्र का जब आप सुबह कर रहे थे आज अगले दिन फैसिलिटी हुई, आपको कन्वीनियंस हुई तो आपने शाम को कर दिया, फिर कन्वीनियंस हुई तो रात को कर लिया। तो ऑलमोस्ट एक टाइम फ्रेम तय कर लीजिए कि सुबह 6 बजे से 2 बजे के बीच में जो भी कन्वीनियंट टाइम है आप एक बार फिक्स कर लीजिए। दिन में 9 से 12 में, लंच टाइम में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, लेट नाइट में, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है उसको कन्वीनियंस के लिए आप 2-3 घंटों के फेजेस में टेन्योर में रख सकती हैं कि विद इन 6 to 9 जैसे पिक्चरों की शो होती हैं इवनिंग शो, लेट नाइट शो, 9 से 12 जो भी आपकी इच्छा हो तो उसमें आप कर लीजिए। उसमें 9 के 9:30 हो गए या 10 बज गए या 11 बज गए डजंट मैटर। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे टाइम फ्रेम तय कर लीजिए, उस तरीके से प्लेस तय कर लीजिए भाई जब तक हम दिल्ली में हैं या अपने घर में हैं, अपने होम टाउन में हैं तो हम उस जगह पर जाकर के पूजा करेंगे। चाहे आप ड्राइव करते हुए तय कर लीजिए कि मैं ड्राइव करती जाऊँगी और ये जब करती जाऊँगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में पूजा की जगह मंदिर में बैठ के ही करूँगी, बैठ के करने का आपके पास ना टाइम नहीं है, चलते चलते करिए। आप शाम को लंच के डिनर के बाद या सोने से 1 घंटा पहले हम करेंगे तो 1 घंटा पहले कर लीजिए। आप अपने बेड पर बैठ करके कर लीजिए। तो यूनिटी ऑफ प्लेस रखिए, यूनिटी ऑफ एक्शन रखिए, यूनिटी ऑफ टाइम रखिए और यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पर इस तरीके से लागू होता है कि ऐसा नहीं कि आज तो 5 माला कर ली, कल टाइम कम था, बीच में कुछ और काम आ गए, 3 माला भी रुक गए और परसों फिर 10 माला कर दी, मैं कंपनसेट कर दूंगी, वो गलत है। तो एक मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ जप तय करिए कि भाई मैं 2 माला रोज कर सकती हूँ, 2 माला करिए। इसलिए शास्त्रों में नियम बताया गया कि कम से कम 10 बार जपिए किसी मंत्र को, उससे ज़्यादा करना है तो 28 बार जपिए, उससे ज़्यादा करना है तो 108 बार जपिए और फिर 108 के मल्टीपल, महीने 1 माला के मल्टीपल, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला, जैसे भी आपको कन्वीनियंस है, जैसे भी आप करना चाहते हैं, जैसे आपको सुविधा होती है उसके हिसाब से कर लीजिए। तो मिनिमम अमाउंट भी बता दिए और मैक्सिमम अमाउंट इज नो लिमिट। तो मिनिमम अमाउंट इज 10 टाइम्स, एवरेज इज 28 टाइम्स और उससे और बढ़िया जो है वो जब मालाओं के उसमें सेक्शन में आ जाएगा तो 108 बार रहती है, जैसा जिसका आपका कन्वीनियंस है तो इंक्रीज करिए बाद में जी। 10 से 28 पर जाइए तो फिर 28 अपना शुरू कर दिए, फिर रिड्यूस मत करिए। तो ये 3 तरीके की चीज दिमाग में रखनी चाहिए। चौथी बात, आस्था विश्वास तो आपने पहले ही कर दिया। उच्चारण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उच्चारण से अर्थ बदल जाता है और वैदिक मंत्रों में खासतौर से वैदिक मंत्रों की बात कर किसी भी भाषा के किसी भी शब्द के उच्चारण को आप लीजिए तो जरा सा उच्चारण में ही फेर होते ही फर्क पड़ जाता है। किसी ने कहा कि भाई एक आदमी था वो उसको जल्दी जल्दी किसी ने सीखा वो नई भाषा और उस पर शेर शायरी सीखने के लिए सीख के एक शेर जान करके बाहर चला गया और उसको बाहर जा करके उसने जब पार्टी में सुनाया तो उसका एक्सेंट कुछ इस तरीके का था सब अर्थ का अनर्थ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम दुआ क्या था रे, वो दुआ करते हैं तुम सलामत रहो, ये दुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम सलामत रहो क्योंकि एक्सेंट बदल गया जी। तो और उसका कहाँ स्पेस देना है कहाँ स्पेस नहीं देना है मीनिंग बदल जाता है, लिखने में पंक्चुएशन की गलती से मीनिंग बदल जाता है, कॉमा और सेमी कॉमन कहाँ आना है उससे अर्थ बदल जाता है। तो तुम साला मत रहो ये दुआ करते हैं, दवा करते हैं ये दुआ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से बोल दिया। अब किसी ने समझाया उसको कि सेम टू यू कहना, उन्होंने कहा सेम टू यू कहना, उन्होंने कहा सेम, सेम को सेम कह दिया तो मीनिंग बदल गया जी। अब कंडक्टर शब्द को लीजिए आप, जब कंडक्ट कहेंगे तो मीनिंग कुछ और है, जब कंडक्टर कहेंगे तो मीनिंग कुछ और है, केवल एक्सेंट से अर्थ बदल रहा है। एक ही शब्द को आप इतनी बोलिए, क्या कहा, क्या कहते हैं आप, कैसे, क्यों, जरा जरा सी बात पर जरा जरा से एक्सेंट के चेंज पर उसका मीनिंग बदल जाता है। तो वैदिक मंत्रों में तो सारा का सारा अर्थ उसी में नहीं था, उच्चारण में नहीं था। इसके लिए निरुक्तकार ने क्या कहा, निरुक्त क्या कहते हैं, वो ऐसी पुस्तकें होती हैं जिसमें शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं किस तरीके, उसके लिए एक शब्द है मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, वो अंग्रेजी का भी शब्द है वो, तो मैंने कोशिश की थी मुहूर्त के लिए उस पर नाम रखने के लिए लेकिन वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगी। मंत्रहीनो स्वर तो वर्ण तो वा,
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ मिथ्या प्रयुक्तस्त न तमर्थ मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ समाह। मंत्र में यदि स्वर विहीन हो गया, स्वर यानी कहाँ एक्सेंट ऊंचा रखना है कहाँ नीचा रखना है, ये मीनिंग बदल गया। और स्वर वर्ण तो हुआ, कोई अक्षर उत्पड़ांग बोल दिया, गलत बोल दिया, वकुबा बोल दिया, रगुल बोल दिया बहुत सारे लोगों ने, अनुस्वार फालतू लग गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सांस दे लीजिए, अनुस्वार कहीं फालतू लग रहा है। बहुत सारे चावल को चावल बोलते हैं, मुँह से चावल निकलता है, तो कई बार ऐसा सारी अननेसेसरी वो अनुस्वार लग जाता है, तो उससे अर्थ बदल जाता है। अब सांस के ऊपर बिंदी लगा दीजिए अब तो सांस हो जाएगा, नींद बदल जाएगा ना। तो अब भाषा वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इस बिंदी की ये करामात है, इसके अंदर ये शब्द ये अर्थ आ गया। तो उस तरीके से वेद मंत्रों में इस तरीके से अर्थ जरा सा उच्चारण धर्म से अर्थ बदल जाता है। इसलिए कहा गया कि किसी विद्वान बुद्धिमान समझदार अभ्यासी व्यक्ति से ही इनका उपाय करवाना चाहिए। जब ये समस्या आने लगी थी तब मेरे संकट कटे बेटे सब पीड़ा में सामान्य लोगों के द्वारा खुद करने लायक उपायों की लिस्ट बताई थी। मिश्रा जी धन्यवाद, बहुत बहुत छोटा शब्द है, आपने हमारे साथ अभी तक अपनी काफी नॉलेज और अपना काफी एक्सपीरियंस शेयर करा है। हमने कई टॉपिक्स कवर करे हैं और ऐसी ऐसी बारीकियों पे कवर करें कि फंडामेंटल्स बुनियाद बहुत जरूरी होती है, और बुनियाद ही आपने हमारी काफी आपने उसमें हमारी मदद करी है, काफी क्लैरिफिकेशन हमें प्रोवाइड करे। और इसके बावजूद कि आप लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा पीछे ठीक नहीं रहा था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस टाइम। और मैं इसको इसी से आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, श्रृंखला को अभी हम जारी रखेंगे, यही कहना चाहूंगी। जैसे आप पीछे जारी रखें, जारी रखेंगे बिल्कुल। हम तो अंत में सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ हमने कहा है वो शास्त्र के अनुसार कहा है और हम वो जैसे कोर्ट में ओथ लेते हैं जी। तो उस तरीके से हम तो कसम खा के लेते हैं कि जो कुछ कहा है शास्त्र के अनुसार कहा है, शास्त्र से हट करके कुछ भी नहीं कहा है, और जो कुछ कहा है विदाउट ऑफेंस एंड विदाउट मैलिस जी। एंड आई एम श्योर एवरीवन विल लुक फॉरवर्ड टू द कंटिन्यूइंग डायलॉग विद डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। थैंक यू। वेलकम।